मैं प्रहस्त पोस्ट डेथ सर्विसेज का राक्षस आपका पुष्पक 634 में स्वागत करता हूँ। माय गॉड, मैंने ये क्या देख लिया, एक हिंदी मूवी जो एक्चुअली में अच्छी है। मुझे तो लगा था हम सिर्फ ऐसी पिक्चरें निकालने की क्षमता रखते हैं। ये ओ सॉरी, गलती से उनका कंटेंट बीच में आ गया, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बैक टू द वीडियो। तो आज का रिव्यू है ऑफ द मूवी कार्गो। लेकिन रिव्यू स्टार्ट करने से पहले, इंडियन सिनेमा में काफ़ी ऐसी कम पिक्चर है जिसे हम एक्चुअली में मूवी कोट कर सकते हैं। कोई ऐसी मूवी जिसे हम देख कर कह सकते हैं कि ये देखो ऐसी होती है हमारी पिक्चरें। लेकिन इंडियन सिनेमा AKA बॉलीवुड हर बार नई सेम टाइप की मूवीज़ हमारे ऊपर बरसाते रहता है और हमें मजबूरन ऐसी पिक्चरें देखनी पड़ती है। तो मानने की बात यह है, कार्गो जैसी सिनेमा को सपोर्ट कीजिए ताकि इंडियन सिनेमा भी वर्ल्ड सिनेमा के लेवल तक पहुंच पाए, ना कि पिक्चर जो सिर्फ ऐसे खाली पीली टाइम पास के लिए बनाई जाती। तो कार्गो द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू इंडियन सिनेमा राइट नाउ। कार्गो एक काफी सिंपलिस्टिक मूवी होकर भी अपनी छाप छोड़ देता है। आइए रिव्यू करते हैं ऑफ द मूवी। तो इस मूवी की हाइप ट्रेलर से ही काफी ज्यादा थी। उस मूवी का प्लॉट कुछ ऐसा है, What if we combine science fiction with mythology? Cargo एक science fiction film है, written and directed by Aarti Kadav. Sorry if I butchered the name. Film में हमें lead role में देखने को मिलेंगे विक्रांत मैसी और श्वेता त्रिपाठी। अरे नहीं, अरे मिर्जापुर का review नहीं चल रहा यहाँ पे, वो बाद में आएगा। तो चलो यार, अब बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। इस फिल्म की स्टोरी काफी यूनिक है। प्रहास्त AKA विक्रांत इस मूवी में एक राक्षस का रोल निभा रहे हैं। नहीं, ऐसे वाले राक्षस। प्रहास्त IPSO, इंटरप्लेनेटरी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि राक्षसों की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें काम करते हैं। उन लोगों का काम होता है, जो लोग पृथ्वी लोक पर मर जाते हैं उन्हें वहां लाना, उनकी याददाश्त मिटाना और उनको पुनर्जीवित करना। वो ये काम दशकों से करते आते रहे। फिर एक दिन अचानक प्रहास्त को मिलती है उसकी असिस्टेंट युविष्का AKA श्वेता त्रिपाठी, और फिर प्रहास्त की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। पूरी फिल्म बेस्ड है उनकी डेली लाइफ पे और कैसे वो अपने कार्गो के ट्रांजैक्शंस अपने डेली बेसिस पर करते रहते हैं। नाउ लेट्स टॉक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। स्टोरी, एज आई मेंशनड अर्लियर, इस फिल्म की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, विद ऑल द साइफाई एंड माइथोलॉजी स्प्रिंकल्ड इन। इस फिल्म की स्टोरी काफ़ी इम्पैक्टेबल है। कास्टिंग, बाय फार वी नो हाउ वेल ऑफ एन एक्टर विक्रांत मैसी इज, श्वेता त्रिपाठी ने भी इस मूवी में काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है। दोनों ने अपनी एक्टिंग से इस मूवी को इमोशन से भर दिया। अब आ जाते हैं एग्जीक्यूशन। सुनो, नो कंप्लेंट्स, बाय फार ये मूवी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशन था वो और भी ज़्यादा बेटर हो सकता था। पॉइंट आउट करने जैसी काफ़ी बड़ी मिस्टेक नहीं है, लेकिन हमारा काम है मूवी के फ्लॉज को दिखाना, वेदर बिग और स्मॉल। द ड्रामा, सो अगर इस फिल्म ने इसके साइफाई एलिमेंट्स पर इसके ड्रामा से ज़्यादा फोकस किया होता तो शायद ये मूवी और भी ज़्यादा बेटर हो सकती थी। फिल्म के VFX कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन अप्रिशिएटेबल है। तो अब बात करते हैं हम रेटिंग्स की। विद अ 6.8 आउट ऑफ 10 ऑन IMDb, ये एक अबव एवरेज मूवी है। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में डायरेक्टर्स कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। कार्गो इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। अगर ऐसे इंडियन डायरेक्टर्स कुछ नया ट्राई करते रहे तो इंडियन सिनेमा को ग्रो होने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओवरऑल कार्गो एक काफ़ी अच्छी फिल्म है, तो अगर आपके पास नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन और थोड़ा टाइम है तो आप इसे ज़रूर इन्जॉय कर सकते हैं। सो गाइस, ये था हमारा रिव्यू ऑफ द मूवी कार्गो। रिव्यू पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिए, और अगर आपको हम पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हर बार मुलाकात होती रहेगी और हम आपके लिए ऐसा कंटेंट आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए शो गीक, द शो मेड फॉर गीक्स एंड द गीक्स मेड फॉर शो।